IVF करने की सही उम्र क्या है। फिर जब एक महिला 30 साल पार कर जाती है तो उनके अंडाशय ओवरीज में अंडों की मात्रा ऑलरेडी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी आना शुरू हो जाता है, जैसे कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की कठानी आ सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है, पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है, उनका वजन बढ़ सकता है। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुतेन शर्मा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, इंदिरा IVF गुवाहाटी। आजकल बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ये सवाल करते हैं कि मैम, IVF करने की सही उम्र क्या है या IVF करने की कोई एज लिमिट होती है। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं, इस टॉपिक के ऊपर कुछ बात करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्राई करते हैं कंसीव होने के लिए, और जब वो नहीं होते हैं तो वो जाँच करते हैं और उनको ये पता लगता है कि उनकी ट्यूब्स में ब्लॉक है। फिर डॉक्टर्स उन्हें एडवाइस करते हैं, IVF में जाने की सलाह देते हैं। लेकिन इन कपल्स में ये प्रश्न रहता है कि हमारा उम्र तो बहुत यंग है, तो फिर हम IVF क्यों करें? क्या ये सही एज है IVF करने की? बहुत सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं जो लेट मैरिजेस करने के बाद जब कंसीव नहीं हो पाते हैं तो फिर उनके मन में ये डाउट रहता है कि क्या मुझे डायरेक्टली IVF में जाना चाहिए या तो मुझे पहले कोई दूसरा ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन सारे सवालों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। IVF करने की सही उम्र जो होती है उसको जानने से पहले ये जानते हैं कि एक महिला को कंसीव करने के लिए आइडियल जो टाइम होता है वो क्या क्या है। तो या तो एक महिला नेचुरली कंसीव करे, या तो IUI की मदद से करे, या IVF की मदद से करे। एक जो आइडियल टाइम, जो उम्र माना जाता है वो है 24 से 30 साल, क्योंकि 24 साल से पहले एक महिला शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थोड़ी सी कमज़ोर होती है और उनको बच्चे को पालने की, पोषण की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी कम होती है। फिर जब एक महिला 30 साल पार कर जाती है तो उनके अंडाशय ओवरीज में अंडों की मात्रा ऑलरेडी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, और जब वो 35 साल क्रॉस करती है तो ऑलरेडी क्या होता है कि जो क्वांटिटी होती है वो तेज़ी से घटने लगती है और साथ ही में क्वालिटी में भी असर आना शुरू हो जाता है। और देखा गया है कि एक जो उम्र जितना भी महिला का ज़्यादा होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी आना शुरू हो जाता है, जैसे कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की कठानी आ सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है, पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है, उनका वजन बढ़ सकता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा ये हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जब महिला कंसीव होती है तो वो ट्राई करें कि जितना जल्दी हो सके 24 से 30 एज के बीच में कंसीव होने की वो कोशिश करें। इसी तरह जब उम्र ज़्यादा होने की वजह से पुरुष में भी प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं रहती है, जैसे कि स्पर्म काउंट कम हो सकती है, मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, मॉर्फोलॉजी में भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है, और DNA फ्रेगमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज मैं आपको ये कुछ कारणों के बारे में बताऊंगी जो अगर कपल्स में हम डायग्नोज करते हैं तो उनको डायरेक्टली हम IVF जाने की सलाह देते हैं। उनमें से नंबर वन कंडीशन जो होता है एजोस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म काउंट का नील होना, और कभी कभी ये ऑब्स्ट्रक्टिव कारण की वजह से होता है, यानी कि टेस्टिस जहाँ में आपका शुक्राणु बनता है वहाँ में बन रहा होता है लेकिन किसी भी ब्लॉक की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टेस्टिकुलर पाइप से लेते हैं जिसको हम टीजा बोलते हैं, और फिर ICSI IVF की मदद से उनको हम कंसीव करने के लिए मदद कर सकते हैं। कुछ कुछ महिला ऐसे भी होते हैं जिनमें ट्यूब्स का ब्लॉक रहता है, ब्लॉक हो जाता है, फिर हम उनको भी IVF की सलाह देते हैं, क्योंकि IVF करने के लिए ट्यूब्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। या तो आपका ट्यूब्स नहीं भी हो तो भी हम IVF की मदद से उनको संतान की प्राप्ति दे सकते हैं। पहले ज़माने में ट्यूबल रिकनलेशन का प्रोसीड्योर बहुत किया जाता था, लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि ये ट्यूब खोलने की जो ऑपरेशन है वो करने के बावजूद भी बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं लगती है, ये प्रेगनेंसी लगने की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसलिए हम IVF में जाने की उनको सलाह देते हैं। किसी महिलाओं ने ऑलरेडी ट्यूबल लाइगेशन करा रखा होता है तो उन महिलाओं में जिनको फिर से प्रेगनेंसी लगने की चाहत होती है उनको भी हम IVF में जाने की सलाह देते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं
जिनकी उम्र बहुत कम होती है लेकिन फिर भी उनको उनके अंडों की मात्रा कम मिलती है। तो इन महिलाओं में हम ये सलाह देते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होने की कोशिश करनी चाहिए, या तो मेडिकेशन से या तो IUI से। और अगर वो IUI एक दो बार करके भी सफलता नहीं मिल रही है तो बार बार करने का कोई मतलब नहीं बनता है, डायरेक्टली उनको IVF में ही जाने से सफलता मिलेगी। और एक्सट्रीम कंडीशन में ऐसा होता है कि कपल्स लोग जब जांच करते हैं तो उनको कोई करंट का पता नहीं लगता है, तो इसी वजह से वो बहुत साल वेट करते हैं नेचुरली कोशिश करने की, और इसी दौरान उनका 10 से 15 साल वेस्ट हो जाता है। जब वो हम लोग के पास आते हैं तो ऑलरेडी महिला की उम्र 40-45 साल की हो जाती है, उनकी मासिक धर्म बंद हो जाती है। तो इन महिलाओं में जिनमें अंडों की मात्रा एकदम जीरो हो जाती, नील हो जाती है, उनमें हम क्या एडवाइस देते हैं? उनमें भी हम संतान प्राप्ति करने की सुख दे सकते हैं डोनर महिला की मदद से। तो इनमें भी हम IVF के थ्रू प्रेगनेंसी करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जाने हैं कि उम्र आपकी छोटी होने से भी कभी कभी IVF की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये नहीं है कि उम्र ज़्यादा होने से आपको संतान प्राप्ति नहीं होगी। आप ज़रूर माँ होने की सुख ले सकते हैं। और इस वीडियो में कभी भी कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या किसी भी नजदीक सेंटर में आके डॉक्टर्स की एडवाइस ले सकते हैं। धन्यवाद। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.indraivf.com और कॉल 1-800-309-4410। कीप फॉलोइंग अस एंड लीव योर फर्टिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो एंड गेट आंसर्स फ्रॉम इंदिरा IVF डॉक्टर्स।